अब आपको राजस्थान के बारे में बताते हैं। 25 लोकसभा की सीट है राजस्थान में और दो चरणों में वोटिंग होगी। पहली बार 29 अप्रैल को वहां वोटिंग होगी। अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, उदयपुर। 29 अप्रैल को, 6 मई को जो वोटिंग होगी, बीकानेर, गंगानगर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर, सीकर। तो ये दो चरणों में ही राजस्थान में वोटिंग हो रही है। 25 लोकसभा की सीटें एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बाड़ा, उदयपुर में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और 6 मई को जो वोटिंग होगी वो बीकानेर, गंगानगर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर, सीकर, इसमें 6 मई को वोटिंग होगी। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।